प्रस्तुतकर्ता इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड पतंजलि च्यवनप्राश। प्रायोजक मैदा ट्रांसफैट कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट्स खाएंगे हेल्दी इंडिया बनाएंगे। फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी और स्टेरिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड डील्स इन क्वालिटी मेडिसिन स्टेरिस क्वालिटी दैट यू कैन ट्रस्ट। नमस्कार, आज है 3 मार्च दिन गुरुवार, वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल, हो जाइए तैयार दिन भर की बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज इंडिया 360 में आपके लिए क्या है खास, किन मुद्दों पर होगा विशेष फोकस। तो आज इंडिया 360 में जानेंगे कि रूस के खिलाफ खड़े हुए क्वाड सदस्यों के सामने भारत का स्टैंड क्या रहेगा। बातचीत शुरू हो चुकी है, भारत पश्चिमी देशों के साथ वाला क्वाड चुनेगा या फिर चीन रूस की मेंबरशिप वाले संगठन ब्रिक्स को। साथ ही साथ यूक्रेन से छात्रों को निकालने का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गया, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। साथ ही साथ यूक्रेन में भारतीय छात्रों को ढाल बनाने को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच आरोप प्रत्यारोप में कौन सच और कौन झूठा बोल रहा है, जानेंगे इसको आज की 360 में। साथ ही साथ हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के साथ है तो यूक्रेन को ईयू की मेंबरशिप क्यों नहीं मिल रही। तो ये हैं तमाम वो स्टोरीज जिन पर आज रहेगा फोकस। ये हैं 5 वो बड़ी खबरें जिन पर इंडिया 360 में खास तौर पर फोकस होगा। लेकिन आप देख लेते हैं आज की सुर्खियों का रुख करते हैं। यूक्रेन के कीव और खारकीव समेत कई शहरों पर रूस की सेना का बड़ा हमला हुआ है। राजधानी कीव से महज 30 किलोमीटर दूर पर रूसी सेना रह चुकी है। इंडिया 360 में आज इस खबर का भी करेंगे विश्लेषण, साथ ही साथ बताएंगे कि रूसी सेना अब तक कहां पहुंची है यूक्रेन के भीतर। रूस और यूक्रेन के बीच होगी दूसरे दौर की बातचीत। यूक्रेन ने कहा मानवीय कॉरिडोर देने पर होगी चर्चा। रूस यूक्रेन जंग के बीच शुरू हुई क्वाड देशों की मीटिंग, बैठक में पीएम मोदी यूएस प्रेसिडेंट समेत तमाम देशों के प्रतिनिधि शामिल। यूक्रेन मसले पर चर्चा की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यूक्रेन से छात्रों को निकालने का मुद्दा। कोर्ट बोला सरकार कर रही है अपना काम, हम पुतिन को नहीं दे सकते निर्देश कि युद्ध रोकें। वाराणसी में यूक्रेन से लौटे छात्रों से मिले पीएम मोदी। वीकली एक्सपायरी पर निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा टूटा, सेंसेक्स 350 अंकों से ज्यादा गिरकर 55,100 के पास बंद। ऑटो, बैंक, फाइनेंस और एफएमसीजी शेयरों ने बनाया दबाव। वोडाफोन आइडिया जुटाएगी 14,500 करोड़ रुपए, प्रमोटर्स भी डालेंगे 4,500 करोड़ रुपए। प्रमोटर्स को 13.30 रुपए के भाव पर जारी होंगे 340 करोड़ शेयर। उत्तर प्रदेश में छठे चरण का मतदान खत्म, शाम 5 बजे तक पड़े 53% से ज्यादा वोट। और मर्सिडीज ने लॉन्च की नई कार, सिर्फ 5 सेकंड में पकड़ सकती है 100 किलोमीटर की रफ्तार, शुरुआती कीमत 2.5 करोड़। और खबरों की शुरुआत करते हैं रूस के ऐलान जंग से। और रूस ने जब से ऐलान जंग किया है तब से दुनिया भर में जितने डेवलपमेंट हो रहे हैं, जितनी बैठकें हो रही हैं, उनके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध पर चर्चा है। और इसी आलोक में, इसी कड़ी में आज यूक्रेन संकट के बीच क्वाड नेताओं की वर्चुअल शिखर बैठक भी हो रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में यूक्रेन मसले पर चर्चा होनी है। रूस यूक्रेन अटैक के बीच हो रही यह बैठक कई मायनों में खास है क्योंकि भारत ने अब तक यूक्रेन मसले पर शांति वार्ता पर ही जोर दिया है, अपना रुख तटस्थ रखा है। अभी तक ना ही यूक्रेन और रूस के साथ एकदम स्पष्ट रूप से खड़ा दिखाई दिया है भारत, लेकिन आज जब क्वाड देशों की बैठक होगी तो क्या इसमें भारत अपने रुख में कोई परिवर्तन करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आज की बैठक पर क्या कुछ तमाम देशों का रुख रहता है इस पर तो हमारी चर्चा होगी, इस पर रुख हमारा रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के लिहाज से इस वक्त क्वाड कितना महत्वपूर्ण है।
चार देशों की यह संस्था इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक शानदार पैक्ट और इसे चीन के खिलाफ रणनीति बनाने में बेहद कारगर साबित माना जाता है। लेकिन क्या वाकई में आज क्वाड की बैठक में भारत का रुख क्या अलग होगा? देखिए, इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के रुख की चर्चा क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि जो इसके चार सदस्य हैं उनमें से तीन ने यूक्रेन का पक्ष लिया है। अमेरिका ने, जापान ने और ऑस्ट्रेलिया ने, तीनों ने खुल के स्टैंड लिया है यूक्रेन के पक्ष में, जबकि भारत रहा है तटस्थ। तो आज क्वाड की बैठक में भारत पर यह दबाव होगा कि वो यूक्रेन मसले पर कुछ ना कुछ कहे, क्योंकि यूक्रेन का विवाद, क्योंकि क्वाड की जो अवधारणा है वो चीन के खिलाफ कही जाती है और चीन का साथ एक तरह से रशिया जब देता है तो कहीं ना कहीं उसकी कड़ियां यूक्रेन विवाद से भी जुड़ती हैं। इसलिए आज इन तीनों देशों का दबाव भारत पर जरूर होगा कि वो खुलकर अपनी राय रखे। यूएस बार बार ये कहता भी रहा है कि भारत को खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। तो फिलहाल स्टैंड देख लेते हैं क्वाड के चारों देशों का स्टैंड यूक्रेन मसले पर क्या है। सबसे पहले अमेरिका रूस पर प्रतिबंधों की अगुवाई कर रहा है, रूस पर तमाम जो दबाव पड़ रहे हैं उनकी अगुवाई कर रहा है। जापान को अगर हम देखें तो रूस पर प्रतिबंध तमाम जापान ने भी लगाए हैं, पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन और पश्चिमी देशों का साथ दिया है। जापान ने भी खुलकर यूक्रेन के पक्ष में खड़ा दिखा है। ऑस्ट्रेलिया भी हम जानते हैं बहुत मुखर होकर न सिर्फ चीन को लताड़ लगाता है बल्कि इस बार यूक्रेन के मसले पर भी यूक्रेन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। यूक्रेन को बाकायदा $7 करोड़ की मदद की पेशकश भी की है, इनफैक्ट दी भी है। और यह है भारत का रुख जो कि अब तक तटस्थ है। भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं यहां से एब्सटेन किया है, खुद को कोशिश की है कि हम अपना रुख जो है वो तटस्थ रखें। लेकिन क्या यह तटस्थता आज क्वाड में दिखेगी? और दिखेगी तो फिर कैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बाकी समकक्षों को समझा पाएंगे कि हमारा जो तटस्थ रुख है वो जस्टिफाइड है? इस पर अब सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के लिए जो दुविधा है कि भैया क्वाड में रहें या फिर जो क्षेत्रीय हमारा संतुलन बनाने के लिए विकासशील देशों का एक सबसे बड़े मंच के रूप में उभरा हुआ ब्रिक्स है, बार बार इस पर बहस होने लगी है कि भारत आखिर किसको चुने या किसके लिए भारत किसको अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट समझे। बार बार अब तुलनाएं होने लगी हैं क्वाड से ब्रिक्स की। तो जरा आपको बताते हैं कि क्वाड वर्सेस ब्रिक्स, भारत क्योंकि दोनों का सदस्य है, किनको चुनेगा भारत, क्यों इंपॉर्टेंस है भारत की, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इधर ब्रिक्स और इधर क्वाड, क्वाड को हमने आपको बताया, अगर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी दे दें आपको, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जिसको QUAD कहा जाता है, टेक्निकली चार से मिला जुला है क्वाड। तो ये चार हैं, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। 2007 में हालांकि इसकी अवधारणा सामने आई थी लेकिन करीबन एक दो साल तक ये साइलेंट रहा, कोई इस पर खास बातचीत हुई नहीं। लेकिन जैसे ही साउथ चाइना सी में चीन का दबदबा बढ़ने लगा 2017 के आसपास, तो इसकी आवश्यकता एक बार फिर उभरने लगी और फिर चारों देशों के सहयोग से क्वाड को एक मूर्त रूप दिया गया। तमाम बैठकें, समिट्स वर्चुअल फिजिकल होने लगी और अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिक्योरिटी पैक्ट, सिक्योरिटी तो नहीं से कहा जाता है, तमाम देश जो कहते हैं कि ये कोई सिक्योरिटी या कोई मिलिट्री पैक्ट नहीं है लेकिन हाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए डेवलपमेंट पैक्ट इसे जरूर मानते हैं चारों देश। लेकिन ये इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा ब्रिक्स का अगर आपको हम ब्रीफ दे दें तो 2006 में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के कोऑपरेशन के लिए ये 2006 में बनाया गया था और तब से ब्रिक्स जो है उभरती हुई विकासशील जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला रहा है, इसलिए भारत के लिए उसकी अहमियत जरूरी है। क्वाड इसलिए जरूरी है कि चीन से मुकाबला करना है, भारतीय हितों की रक्षा जरूरी है इंडो पैसिफिक रीजन में, जबकि आपको ब्रिक्स की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि विकासशील जितनी भी उभरती अर्थव्यवस्थाएं उनकी आवाज बनने के लिए आपको इसकी भी आवश्यकता होगी। यहां पर चाइना भी है, यहां पर रशिया भी है, लेकिन यहां पर न रशिया है न चाइना है, इनफैक्ट एंटी चाइना और अब एंटी रशिया है, तो कैसे आप बैलेंस बिठाएंगे ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हिंद महासागर में शांति सुरक्षा भी आपको चाहिए, उधर ब्रिक्स भी चाहिए व्यापार शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए, तो कैसे ब्रिक्स में और क्वाड में संतुलन बनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखने वाली बात होगी। विकसित देशों का साथ आपको मिलेगा अगर आप क्वाड में रहते हैं और विकासशील देश जितने भी हैं अगर कोई खुदा ना खास्ता संकट आया तो दोस्त तो यही कहे जाते हैं, यहां पर आपको विकासशील देशों से जितनी मदद मिलेगी वो ब्रिक्स उसके लिए
इंपॉर्टेंट है। तो ये है क्वाड वर्सेस ब्रिक्स में भारत की एक उहापोह की स्थिति, आप कहें कंफ्यूजन की स्थिति, कहें कहां जाएं कहां ना जाएं, लेकिन भारत ये भी जानता है कि हम कैसे संतुलन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बिठाते आए हैं, हमेशा से संतुलन बनाता आया है, बहुत खूबसूरती से संतुलन बनाता आया है, बहुत सूझबूझ के साथ। और इसीलिए इंडियन डिप्लोमेसी की हर जगह तारीफ होती है कि वो चाहे किसी भी दूरी के राष्ट्र हो, किसी भी विचारधारा के राष्ट्र हो, हर तरह के राष्ट्रों में वो एक तरह से संतुलन बनाकर अपनी बात को आगे रखता आया है। ये देश की परंपरा रही है, भारतीय कूटनीति, भारतीय डिप्लोमेसी की ये जीत रही है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण मकाम, खासतौर से रशिया का इन्वेजन जो यूक्रेन में हुआ है, उसके बाद बहुत सारी वैश्विक परिदृश्य बदले हैं, तो क्या चुनौतियां हैं। एम्बेसडर अचल मल्होत्रा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक और विदेश मामलों के जाने माने जानकार हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूंगा, आज क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस तीनों चाहेंगे कि भारत कम से कम एक क्लियर स्टैंड ले, खास तौर से यूक्रेन के मसले पर। क्या वो परिस्थिति आएगी आज, या सिर्फ कोविड, टेररिज्म, साउथ चाइना सी में चीन का दबदबा, इसी के इर्द गिर्द रहकर घूम जाएगी बात और भारत के लिए बचने का मौका होगा? देखिए, ये तो तय है कि जो क्वाड की मीटिंग इतने हाई लेवल पे हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन इशू को लेके नहीं हो रही, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रशिया ने अटैक किया है, तो जाहिर है इसके बारे में भी चर्चा होगी, क्योंकि जो भी हो रहा है यूक्रेन में उसके लिए जो रेमिफिकेशंस हैं वो सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल है। अब सवाल ये है कि इस मीटिंग में भारत पे प्रेशर बनेगा, क्योंकि ये क्या 3-1 होगी? तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि क्वाड ऐसा फोरम नहीं है जिसे वो इस्तेमाल करेंगे भारत को प्रेशराइज करने के लिए। भारत के साथ अलग से बातचीत हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम क्लियर इंडिकेशन है कि भारत की पोजीशन को सही बैकड्रॉप में समझा जा रहा है। इनफैक्ट यूएसए से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आई थी, उन्होंने कहा था जब हमने पहली बार एब्सटेन किया था यूएन में रेजोल्यूशन के अगेंस्ट, उससे पहले चर्चा को लेके, तो अमेरिका से एक स्टेटमेंट आई थी कि हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि भारत और रशिया के जो संबंध है वैसे हमारे रशिया के साथ संबंध नहीं है। तो ऐसे में भारत जो भी अपनी पोजीशन ले रहा है उसकी हमें पूरी पूरी तरह से उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। ये तो एक बात है। दूसरी बात जो मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि गौरतलब यह है कि भारत की किसी भी ना अमेरिका के साथ ना रशिया के साथ, हम अलायंस में नहीं है। जब आप अलायंस में होते हैं तो फिर आपकी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हो जाती है, फिर ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि आप अलायंस पार्टनर होके एक पर्टिकुलर कंसेंसस लाइन है तो उसे टो करना ही पड़ता है। चूंकि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है, हमारी ऑटोनॉमी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, तो इन सब चीजों को देखते हुए हम हर वो फैसला करते हैं जो हमारे अपने राष्ट्र हितों में होता है। और क्वाड में भी आप देख लीजिए, क्वाड के जो बाकी तीन प्लेयर है, खासतौर से अमेरिका, वो अच्छी तरह से जानता है कि भारत की भूमिका क्या है। अगर क्वाड में भारत को सिर्फ इसलिए भारत से नाराजगी दिखाई कि हम रशिया और उसके बीच में पोजीशन नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो क्वाड लंगड़ा हो जाएगा, क्वाड खुद कमजोर पड़ जाएगा। भारत को तो बहुत मिन्नत के बाद उन्होंने इस पोजीशन पर लाया कि हम अब एक्टिवली क्वाड में आके हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, और स्ट्रेटेजिकली भी देखें तो यूएस हो, जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो, उससे ज्यादा स्ट्रेटेजिकल पोजीशन पे तो इंडिया बैठा है। इसलिए अगर चाइना के खिलाफ, अगर क्वाड की अवधारणा सिर्फ चाइना के खिलाफ ही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर तो तीनों देशों के लिए भारत ही होगा। इसलिए भारत के हितों की अनदेखी बिल्कुल नहीं की जा सकती। और बिल्कुल सही कहा एम्बेसडर मल्होत्रा ने कि भारत को प्रेशराइज करने के मंच के तौर पर तीनों देश क्वाड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, कुछ बातचीत करनी है, कुछ दूसरे तरह का प्रेशर बनाना है, जो बनाते रहे तो उसके लिए दूसरे मंच हैं, लेकिन क्वाड वो मंच नहीं होगा। एक और एम्बेसडर मल्होत्रा मेरा सवाल रहेगा, क्विकली मैं जानना चाहूंगा, हमने कंपैरिजन भी किया है क्वाड वर्सेस ब्रिक्स, और जब से क्वाड बना है कहा यह जा रहा है कि क्वाड के आने से के बाद क्या ब्रिक्स इररिलेवेंट हो जाएगा या चुनना पड़ेगा, और खासतौर से पोस्ट यूक्रेन वॉर, क्या क्वाड वर्सेस ब्रिक्स के बाद अब ज्यादा रिलेवेंस क्वाड की ही रह जाएगी? नहीं नहीं, देखिए, आप अगर आप ऑब्जेक्टिव्स को लेके चलें तो क्वाड के ऑब्जेक्टिव्स और ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल अलग है।
ब्रिक्स जो है वो मल्टीपोलैरिटी को एनकरेज कर रहा है। जब पूरा विश्व एक यूनिपोलैरिटी की तरफ बढ़ रहा था तो उसमें एक पांच जो चार उभरती हुई इकोनॉमीज थी उन्होंने एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाया था। और चूंकि हम लोगों को शिकायत है कि जितने भी यूरोप और अमेरिका डोमिनेटेड फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के हितों को इतना ध्यान में नहीं रखते, तो एक अल्टरनेटिव सिस्टम बनाया गया। इसी के चलते न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया गया जो डेवलपिंग कंट्रीज जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह फाइनेंस करने में मदद करेगा। तो ब्रिक्स की रेलेवेंस टोटली डिफरेंट है। इसका जो मेन एम्फेसिस है वो डेवलपमेंट के ऊपर है और मल्टीपोलैरिटी के ऊपर है। क्वाड एक पर्टिकुलर अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाड को उन्होंने खड़ा किया चाइना को बुली करने के लिए। हालांकि हम वहां पे भी ये नहीं कहते कि चाइना स्पेसिफिक है, हमने आज तक कभी चाइना का नाम लेके उस पर नहीं किया, बल्कि बार बार हमने ये कहा कि किसी थर्ड कंट्री के अगेंस्ट नहीं है क्वाड। क्वाड का भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है फ्री नेविगेशन, पीसफुल और इक्वल वो जो इंडो पैसिफिक रीजन है, देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ आवर फ्लाइट, वहाँ पीस हो, वहाँ डेवलपमेंट हो, वहाँ ब्लू इकोनॉमी को कैसे देखा जाए। अब धीरे धीरे हम उसका जो वो बढ़ा रहे हैं उसका स्कोप ऑफ एक्टिविटीज को भी बढ़ाया जा रहा है। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है। बहरहाल ये जरूर है कि ब्रिक्स में जो है ब्राजील भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है और साउथ अफ्रीका भी है। तो ब्रिक्स में फिलहाल अभी तक रशिया की सपोर्ट में ही कह सकते हैं आप कि रशिया के साथ सिंपथाइज किया है ब्राजील ने भी, चाइना ने भी और इंडिया ने भी। सिंपथाइज इन द सेंस कि हमने उसको जब पूरी दुनिया उसको यूएन रेजोल्यूशन के थ्रू स्ट्रांगली कंडेम कर रही है या डिप्लोर कर रही है, तो हमने ये डिसाइड किया ऐसा कि हम वी विल नॉट बी अ पार्टी टू दिस कंडेमनेशन ऑफ रशिया, क्योंकि हमें लगता है कि उसके जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि रशिया ने जो वॉर छेड़ी है उसके बारे में दो राय हो सकती है कि क्या यही रास्ता बचा था उसके पास, या फिर ये कि रशिया अगर साउथ ईस्ट यूक्रेन तक ही रुक जाता तो भी थोड़ा हो जाता, एक जस्टिफाइड हो जाता, क्योंकि वहाँ जो न्यूली इंडिपेंडेंट डोनेट्स और लोहांस की रिक्वेस्ट पे वो आया। और चूंकि पिछले देखिए कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा कि पिछले 8 साल में वहाँ कम से कम 15-16 हजार लोगों की जान चली गई है जो सेपरेटिस्ट सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट और यूक्रेनियन आर्मी के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं। तो रशिया के पास एक अच्छा प्रिटेक्स्ट था कि वो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जिसको उसने रिकॉग्नाइज किया है उनकी रिक्वेस्ट पे वो आया है और वहाँ शांति बहाल करना चाहता है। लेकिन रशिया शायद थोड़ा आगे निकल गया, वो कीव की तरफ निकल जाना एक जो है इस स्थिति को उसने बहुत ही गंभीर बना दिया। बट ये अपना अलग से डिबेटेबल इशू है, क्योंकि यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सॉवरनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंडिविजिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी, इन दो चीजों के बीच में है कि आपकी सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है लेकिन आपकी सिक्योरिटी के चलते हुए मेरी सिक्योरिटी को खतरा नहीं होना चाहिए। तो ये काफी कंसेप्चुअल लड़ाई भी है। और बाकी ये ब्रिक्स और क्वाड मेरे हिसाब से अलग अलग फोरम है और कोई भी देश जो प्रेशराइज नहीं कर सकता इंडिया को कि वो एक पर्टिकुलर लाइन ले। और एक लास्ट बात मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति अगर कल को हमारे साथ आ जाती है तो ये हम जानते हैं कि इनमें से कोई भी या इससे पहले जब भी कभी ऐसा हुआ कि चाइना या पाकिस्तान की तरफ से हमारी सिक्योरिटी को खतरा हुआ तो इनमें से किसी ने भी आगे बढ़ के चाइना या पाकिस्तान को ना कंडेम किया ना उसको डिप्लोर किया और ना ही कोई ऐसा दिखाया कि वो हमारी ऑन ग्राउंड हमारी हेल्प करने के लिए आ सकते हैं। लिप सर्विस थोड़ी बहुत जरूर दी, तो हम इस बात को जानते हैं कि अगर ये और हम आत्मनिर्भर भी हैं, हमारी स्थिति किसी यूक्रेन जैसे देश की नहीं है कि जो हम फॉरेन एड पर निर्भर रहे अपने किसी संकट से निपटने के लिए। लेकिन एक बात आपने जो क्लियर कर दी है, जो लोग समझते हैं कि ब्रिक्स और क्वाड जो है वो एक तरह से रिफ्लेक्शन है स्ट्रैटेजिक कन्फ्यूजन का भारत का, कि भैया ईस्ट में को चुने या वेस्ट को चुने या यूरेशिया को चुने या इंडो पैसिफिक को चुने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो कोऑपरेशन हैं दोनों के दोनों, ब्रिक्स जो हैं वो कोऑपरेशन इनर एशिया के लिए, रीजनल कोऑपरेशन के लिए, टेररिज्म के खिलाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनली जो हमारे अलायंस हैं क्वाड के थ्रू उनकी अलग इंपॉर्टेंस है। दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग अलग, अहमियत अलग अलग, भारत जानता है कि दोनों के बीच में संतुलन कैसे बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच।
और अब जरा फटाफट से रूस यूक्रेन के युद्ध जो चल रहा है उसके आठवें दिन का अपडेट भी ले लेते हैं। रूस कहीं भी रुकने के मूड में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। रूस की ओर से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों में अटैक किए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के करीब पहुंची हुई है रूसी सेना। इस बीच आज बेलारूस में रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के बीच में एक और बातचीत हो रही है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बेलारूस के इलाके में रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधियों के बीच में सीधी बातचीत चल रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वे स्थिति को समाप्त करेंगे, डोनबास में शांति बहाल करेंगे, यूक्रेन के सभी लोगों को शांतिपूर्ण जीवन में लौटाने में सक्षम बनाया जाएगा। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी बातचीत की है। लगभग डेढ़ घंटे की बातचीत हुई है। मैक्रों से पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की ओर से बातचीत में किसी भी तरह की देरी की कोशिश होने पर रूस अपनी मांगें और बढ़ा देगा। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी आज सामने आए। उन्होंने एक बार फिर तमाम देशों को समझाने की कोशिश की कि भैया हम न्यूक्लियर थ्रेट नहीं दे रहे थे, और यूक्रेन की ओर से जो लगातार और पश्चिमी देशों की ओर से थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, हम तो उनका मुकाबला कर रहे हैं। पश्चिमी देश तो न्यूक्लियर वॉर की धमकी हमें दे रहे थे, हमने नहीं दी है, और हम बातचीत को तैयार हैं बशर्ते बातचीत बराबरी के स्तर पर हो। यूक्रेन से हम बातचीत के पक्षधर हैं। तो एक तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट स्टैंड आज रशिया के जेस्चर में दिखा है, लेकिन ये सॉफ्ट स्टैंड क्या क्षणिक है, क्या ये क्षणभंगुर है, या फिर इसके पीछे लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रैटेजी है, अब ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि दोनों तरफ से बातचीत के लिए कोई मनाही नहीं है। बातचीत के रास्ते, नेगोशिएशंस के जो रास्ते हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा चिंता की बात यह है कि चाहे कीव हो, खार्किव हो, खेरसन हो, यहाँ पर और दूसरे इलाकों में भी हमले रशियन फोर्सेस की ओर से लगातार जारी हैं। और इस बीच यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज सुबह हिंडन बेस पर वायुसेना का चौथा ग्लोब मास्टर C-17 लैंड हुआ, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट समेत 800 भारतीय नागरिक सवार थे। अभी भी हंगरी में कई भारतीय वतन लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में यूक्रेन से लौटे छात्रों से मुलाकात भी की है और उन्हें उनका हालचाल भी जाना और उन्हें आश्वस्त भी किया, और उनके जरिए दूसरे लोग जो फंसे हुए उनको भी आश्वस्त किया कि भारत सरकार उनके साथ है। और इस बीच भारत के ऑपरेशन गंगा के दौरान एक अजीब सी कंफ्यूजन की स्थिति ये आ गई कि आखिर यूक्रेन सच बोल रहा है, रशिया सच बोल रही है। क्या भारतीय छात्रों को निकालने में यूक्रेन बाधा बन रहा है या रशिया बाधा बन रहा है? भारतीय छात्रों की जो मौत हुई है, दो छात्रों की, उनके लिए यूक्रेन जिम्मेदार है या फिर रशिया जिम्मेदार है? ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने की कोशिशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और रूस दोनों से मदद मांगी। दोनों देशों ने हर मुमकिन मदद की बात कही, इसके बावजूद कई छात्र यूक्रेन की सीमा पार नहीं कर पा रहे हैं। आरोप यह है कि यूक्रेन सेना छात्रों को बंधक बना रही है। भारत ने हालांकि ऐसा मना किया है कि ऐसी कोई खबर नहीं है। रशिया भी इस बात पर लगातार जोर दे रहा है कि यूक्रेन की सेना है जो बच्चों को बंधक बना रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन रूस पर आरोप लगा रहा है। अब सवाल यह है कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन? यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का आज आठवां दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकालने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की। रूस का कहना है कि रूस भारतीय छात्रों को निकालने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन यूक्रेन की सेना भारतीय स्टूडेंट्स को बंधक बना रही है और उन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। यही नहीं, कुछ छात्रों के बयान भी सामने आए हैं जिसमें भारतीय छात्र ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, चीन और अन्य देशों के छात्रों ने भी यूक्रेनी सेना पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। ये भी खबरें हैं कि यूक्रेन की सेना छात्रों को गोली मार देने की धमकी देकर ट्रेन पर चढ़ने से रोक रही है, जिसके चलते ज्यादातर स्टूडेंट पैदल ही बॉर्डर तक पहुँच रहे हैं। यूक्रेन के बॉर्डर पर से ये भी खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन सेना छात्रों को बॉर्डर पार करने नहीं दे रही है। इधर रूस के इन आरोपों को यूक्रेन ने खारिज कर दिया है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन का मानना है कि रूस बमबारी नहीं रोकना चाहता, इसलिए वो यूक्रेन पर आरोप लगा रहा है। वैसे भारत ने भी इन आरोपों से इनकार किया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन में हमारा दूतावास वहां फंसे हुए प्रवासी भारतीयों से संपर्क में है।
भारतीय दूतावास ने यूक्रेन के प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क बना रखा है। कई भारतीयों ने बुधवार को ही खार्किव छोड़ दिया था और इसमें यूक्रेनी अधिकारियों ने काफी मदद की। भारत ने साफ कहा कि अभी तक किसी भी भारतीय छात्र को बंधक बनाए जाने की खबर नहीं आई है। वहीं रूस का कहना है कि भारतीय छात्रों के फौरन रेस्क्यू के लिए रूसी सेना खार्किव से रूस तक एक सुरक्षित कॉरिडोर बनाने पर भी काम कर रही है, लेकिन यूक्रेनी सेना के चलते इसमें देरी हो रही है। अब सवाल उठता है कि झूठ कौन बोल रहा है, यूक्रेन या रूस, क्योंकि एक तरफ छात्रों को सुरक्षित निकालने की बात कही जा रही है जबकि दूसरी तरफ उन्हें निशाना बनाने की बात भी सामने आ रही है। अगर दोनों देश छात्रों को सही सलामत निकालने की बात कर रहे हैं तो उन्हें निशाना कौन बना रहा है? फिलहाल भारत की पहली प्राथमिकता इंडियन छात्रों को यूक्रेन से निकालने की है, जिसे लेकर भारत दोनों देशों से बात कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द सभी छात्र सही सलामत अपने वतन लौट सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूक्रेन में पैदा हुए युद्ध संकट के बीच भारतीय छात्रों की स्वदेश वापसी जारी है। यूक्रेन में पढ़ने वाले 18,000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई बीच में छोड़कर वतन वापसी के लिए मजबूर हुए हैं। यूक्रेन में पैदा हुए इन हालातों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर देश लौटने के बाद इन छात्रों की पढ़ाई का क्या होगा? क्या छात्रों के डॉक्टर बनने का सपना खत्म हुआ, कभी पूरा नहीं होगा या होगा? यूक्रेन से लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अब आगे क्या भविष्य है, ये हर कोई सवाल पूछ रहा है। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से एक ऐसी खुशखबरी आई है जो इन तमाम बच्चों को बहुत बड़ी राहत दे सकती है। रूसी हमले का सामना कर रहे यूक्रेन से भारतीय छात्रों की स्वदेश वापसी जारी है। भारत ने ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों की स्वदेश वापसी को मकाम तक पहुंचाने की ठानी हुई है। ऑपरेशन गंगा शानदार तरीके से चल रहा है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में यूक्रेन से लौटे छात्रों से मुलाकात भी की। छात्र स्वदेश लौटकर खुश तो हैं, लेकिन एक चिंता उन्हें और उनके परिवार को खाए जा रही है कि आगे की पढ़ाई का भविष्य क्या होगा। यूक्रेन के मेडिकल कॉलेज फिलहाल 12 मार्च तक बंद हैं और जिस तरह से युद्ध के हालात बने हुए हैं उससे छात्रों को उम्मीद नहीं है कि कॉलेज जल्द ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। इसके अलावा पढ़ाई से जुड़ी सारी इंफ्रा वहां तहस नहस हो चुकी है। ऐसे में छात्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी आगे की पढ़ाई भारत में सुनिश्चित हो। छात्रों की मांग है कि उन्हें देश में ही पढ़ाई जारी रखने का मौका दिया जाए। अगर निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलता है तो वहां की फीस कम कराई जाए या फिर यूक्रेन की जगह दूसरे देशों में पढ़ाई करने के लिए साधन किए जाएं। कई छात्र और मेडिकल बॉडी ये उम्मीद लगा रही हैं कि केंद्र सरकार फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव करे और उन्हें भारत में दाखिला दिलवाया जाए। छात्र भले ही ये मांग उठा रहे हों, लेकिन क्या इससे उनकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? दरअसल विदेशों में मेडिकल डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जाम यानी FMGE देना होता है। ये एग्जाम साल में 2 बार होते हैं। हर छात्र के पास इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए 3 मौके होते हैं। एग्जाम पास करने के बाद परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए 1 साल की अनिवार्य इंटर्नशिप करनी पड़ती है। ये एग्जाम भी सिर्फ वही छात्र दे पाएंगे जो MBBS की डिग्री हासिल कर चुके हैं। लेकिन यूक्रेन से लौटे छात्रों में कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी अभी डिग्री पूरी नहीं हुई है। छात्रों को उम्मीद है कि सरकार इस मोर्चे पर थोड़े नियम ढीले करे और उन्हें भारत में ही पढ़ाई का मौका मिल सके। सूत्रों के मुताबिक सरकार यूक्रेन की परिस्थितियों को देखते हुए FMGE प्रक्रिया में ढील देने की तैयारी कर भी रही है। मीडिया में खबरें हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने लाइसेंस कानून बदलने के लिए बाकायदा चिट्ठी लिखी है और मेडिकल कमीशन बहुत जल्द इस पर फैसला ले सकता है। लेकिन सरकार जब तक ये फैसला लेती है तब तक छात्रों के पास क्या विकल्प मौजूद हैं ये भी जान लीजिए। यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन की संभावनाएं ना के बराबर हैं। ऐसे में उन्हें प्राइवेट डीम्ड कॉलेज में दाखिला मिल सकता है, हालांकि इसके लिए उन्हें भारी भरकम फीस चुकानी पड़ सकती है। यूक्रेन में पढ़ रहे छात्र रूस में ट्रांसफर ले सकते हैं। दरअसल 2014 में जब 2 कॉलेज वॉर जोन में आए थे तो वहां के कुछ छात्रों ने रूस तो कुछ ने यूक्रेन में ट्रांसफर ले लिया था। और तीसरा विकल्प यह है कि छात्र यूक्रेन में हालात सुधरने का इंतजार करें। वाकई अगर सरकार छात्रों के हित में ये फैसला ले लेती है तो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं दूसरे देशों में पढ़ने वाले छात्रों को भी इसका फायदा मिल सकेगा।
इसमें वो हजारों छात्र भी शामिल हैं जो चीन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और चीन की ओर से उनका वीजा क्लियर नहीं होने के बाद वो भारत में ही अटक गए हैं। इन बच्चों का केस भी दिल्ली हाई कोर्ट में है, फिलहाल इंतजार है मेडिकल कमीशन के फैसले का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूरी उम्मीद हम करते हैं कि भारत सरकार, मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया इन बच्चों के लिए कोई ना कोई एक वे आउट निकालेगी। इनके कोर्स आधे अधूरे रह गए हैं, जैसे कि हमने रिपोर्ट में बताया कि सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं, जो चाइना में जो लॉकडाउन के बाद बच्चे भारत में फंसे हुए, भारतीय हैं, भारत में इसलिए फंसे हैं क्योंकि कोर्स तो चाइना में है। अब चाइना बुला नहीं रहा है, वहाँ पे वीज़ा दे नहीं रहा है, तो वो भारत में फंस गए हैं। तो अब वो कोर्स पूरा करने के लिए चाइना जाएँ, पता नहीं कब उनको बुलाएगा, उनका केस भी कोर्ट में है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि यूक्रेन के बच्चे हों, मेडिकल वाले या चाइना के बच्चे, सबको यहीं कुछ ना कुछ उनके लिए व्यवस्था हो। बहरहाल, छात्रों की सुरक्षित यूक्रेन वापसी का मुद्दा, यूक्रेन से सुरक्षित घर वापसी का जो मुद्दा है, अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। रोमानिया बॉर्डर पर फंसे छात्रों की तरफ से याचिका डाली गई थी, 30 भारतीय छात्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। इन्होंने मांग उठाई कि सरकार रोमानिया से उड़ानें संचालित करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सबको आपस में आपसे सहानुभूति है, लेकिन इस पर अदालत क्या कर सकती है? क्या हम रूस को युद्ध रोकने का निर्देश दे सकते हैं? पुतिन साहब को कह सकते हैं कि रोक दो युद्ध? वो तो वो पुतिन ही जाने। सरकार अपना काम कर रही है। हाँ, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से, सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कुछ सवाल जवाब किए और सीजीआई ने याचिकाकर्ता से भी कहा कि भाई हम क्या जंग रोक सकते हैं, लेकिन फंसे छात्रों के लिए काम भी कर रही है सरकार, ये भी कहा। और सरकार, सीजीआई ने भी अपनी तरफ से कहा है अटॉर्नी जनरल के माध्यम से कि जो भी छात्र फंसे हुए हैं वहाँ पर, उनको आप तत्काल उनसे संपर्क करें और देखें कि फंसे हुए छात्रों को निकालने के लिए सरकार और क्या कर सकती है। और चलिए, अब आज इंडिया 360 में स्पेशल स्टोरी आपके लिए दिखाते हैं। रोज हम इन्वेस्टिगेट करके आपके लिए कोई ना कोई एक ऐसी स्टोरी लेकर आ रहे हैं जिससे आपका ज्ञान में वर्धन होगा, आपके आपको एक नई जानकारी मिलेगी। आपको आज हम दिखा रहे हैं एक तस्वीर, उसके बाद बताएंगे इस तस्वीर को आज हम क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस तस्वीर के क्या मायने हैं और इस तस्वीर के पीछे की छिपी हुई कहानी क्या है। जरा तस्वीर दिखाइए पहले। चलिए, ये है वो तस्वीर। अब आपको याद होगा, जिनको नहीं याद है उनके लिए हम बता दें कि ये वो तब की तस्वीरें हैं जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन पर साइन कर रहे हैं। तीन लोग हैं, आप देखिए, एक तरह से मिलिट्री जो ऑलिव ग्रीन जो यूनिफॉर्म तो नहीं है, कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, और ये साइन किया जा रहा है कि यूक्रेन ने ऑफिशियल एप्लीकेशन दे दी है कि हमें ईयू में शामिल किया जाए। साथ में आप देखेंगे यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर हैं डेनिस शैमल जी, और यूक्रेन के जो पार्लियामेंट है उसके चेयरमैन हैं रशलन स्टेफानचुक। तो ये तीनों लोग, और इन्होंने एप्लीकेशन पर साइन किया है। अब आप बोलेंगे कि इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, इतना बड़ा बवाल हो गया, और 2014 में तख्ता पलट भी हो गया, विक्टर यानुकोविच भागकर 2014 में रशिया भी चले गए थे, और ये पूरा का पूरा बवाल नाटो के लिए तो अब हो रहा है, लेकिन ईयू में जाने का बवाल तब था। आज तक क्या यूक्रेन ईयू में शामिल नहीं हुआ? क्या वजह है कि यूरोपियन यूनियन में आज तक यूक्रेन को नहीं लिया गया? युद्ध से पहले तो यूरोपियन यूनियन कह रहा था कि तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो फिर आखिर यूक्रेन को तुरंत जैसे ही रूस ने हमला किया यूरोपियन यूनियन में क्यों नहीं लिया गया? ये एक ऐसे सवाल हैं जो शायद आपके जहन में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो हमारी रिपोर्ट देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर ये ईयू में जाने की यूक्रेन की कहानी क्या है। तो आपको सबसे पहले बताते हैं यूक्रेन का यूरोपियन यूनियन में जाने का प्यार क्या है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई उसके बाद ये स्थिति आप साफ हो गई होगी कि दरअसल यूरोपियन यूनियन में जाने के लिए जो यूक्रेन है वो जिद कर रहा है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि ईयू का हिस्सा यूक्रेन बन जाए। फटाफट से आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हो रहा है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि विशेष प्रक्रिया से, बहुत त्वरित प्रक्रिया से हम ईयू में चले जाएं। विशेष प्रक्रिया हम क्यों कह रहे हैं यह आपको हम बताएंगे, ये प्रक्रिया दरअसल है क्या। साथ ही साथ ज़ेलेंस्की ने ईयू में जाने के लिए एप्लीकेशन को भी साइन किया है जिसकी तस्वीरें हमने आपको बताई। तो ये है पहली बात कि ईयू में जाना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, और बहुत ही डेस्परेटली जाना चाहते हैं।
तुरंत उन्होंने कह दिया है कि हमें ईयू में लिया जाए, और उसके लिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन से कहा है कि भैया हमने आपको सब कुछ करके दे दिया, हमने आपको ये भी बता दिया कि हम आपके ही जैसे हैं, यूरोपियन ही हैं, आपकी ही भाषा तो नहीं बोलते हैं लेकिन आप ही की बातें हम करते हैं, आप ही की सोच हम रखते हैं, इसलिए हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जो ये कहने के लिए पर्याप्त हैं कि हम यूरोपियन यूनियन में जाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में जाके मिलेगा क्या? देखिए, रूस से मुकाबले के लिए सबसे बड़ा मंच मिलेगा, और सबसे बड़ा मंच किस टर्म्स में, देखिए मिलिट्री हेल्प की टर्म्स में भी मिलेगा, क्योंकि अगर ईयू का पार्ट हो जाता है तो डिफेंस जो क्लॉज है ईयू का वो साफ कहता है कि इफ एन ईयू कंट्री इज द विक्टिम ऑफ आर्म्ड एग्रेशन ऑन इट्स टेरिटरी द अदर ईयू कंट्रीज हैव एन ऑब्लिगेशन टू एड एंड असिस्ट इट बाय ऑल द मींस इन देयर पावर। यानी कि नाटो में भले ही नहीं जा पाए, ईयू में चले जाएंगे तो मिलिट्री एड मिलेगी, वो पूरा एग्रेशन देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा मुकाबला करने का मंच रूस के खिलाफ यूक्रेन के पास होगा। इसके लिए विकास के लिए व्यापार का एक बड़ा मंच मिल जाएगा। ईयू मेंबरशिप में बहुत सारे चीज़ें हैं जो मेंबर्स एंजॉय करते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, फ्री इकोनॉमी है, फ्री मूवमेंट है, पासपोर्ट नहीं लगेगा, बच्चे आ जा सकते हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी राइट्स यूरोपियन यूनियन के सदस्यों को, सिटीजन्स को मिले हैं, वो यूक्रेन को भी मिलेंगे। तो व्यापार के लिए, अच्छी लाइफ के लिए एक बड़ा मंच मिलेगा। नाटो में जाने का रास्ता भी तो साफ होगा। देखिए, कम से कम 21 ऐसे देश हैं यूरोपियन यूनियन के जो नाटो के भी सदस्य हैं। 27 मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन में, उनमें से 21 सदस्य हैं जो नाटो के सदस्य हैं। और अगर यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन चला जाता है तो आज नहीं तो कल चला जाएगा नाटो में भी यूक्रेन। इसके अलावा आपको बताते हैं कि आगे क्या है। देखिए, यूक्रेन जाने के फायदे क्या क्या हैं तो हमने आपको बता दिया, लेकिन जो प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल है। अभी प्रक्रिया क्या है, इसका पालन कैसे किया जाएगा, ये अब आपको बताते हैं। आखिर क्यों यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को अपने में अब तक ले नहीं पाया है, ये आपको बताते हैं। कई ग्राफिक्स हैं जिसके जरिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन में जाने का आखिर प्लान क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया ईयू में जाने का यूक्रेन का। देखिए, एक तो प्रोसेस बहुत लंबी है, ये कोई छोटी मोटी प्रोसेस नहीं है कि आपने आज साइन किया कल आपको यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गया। 80,000 से ज़्यादा पन्ने का आपका एग्रीमेंट है, उस पन्ने, इतने लंबे पन्नों के बारे में तमाम तरह की बातें होती हैं, उनको पूरा का पूरा पढ़ा जाएगा, उनके बारे में एक राय बनाई जाएगी। और ये एक राय एक देश नहीं बनाएगा, यूरोपियन यूनियन के तमाम देशों को एक ही राय पर आना पड़ेगा। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि दरअसल वो बातें क्या क्या हैं, वो शर्तें क्या क्या हैं जिनके बाद हम कह सकते हैं कि ईयू में जाने के लिए शर्तें क्या क्या। देखिए, पहली शर्त जो है बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त, आपको फ्री मार्केट इकोनॉमी बनानी होगी यूक्रेन को, यानी कि वहां पर गवर्नमेंट रेगुलेटेड इकोनॉमी नहीं होगी, फिर आपका मार्केट तय करेगा, आपके उद्योग धंधे तय करेंगे, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट तय करेगी। तो फ्री इकोनॉमी बनानी पड़ेगी, जो रातों रात तो होगी नहीं, पहली शर्त यूक्रेन को यह करना पड़ेगा। दूसरा, ईयू के सभी कायदे कानून मानने पड़ेंगे, इसमें एक स्टेबल डेमोक्रेसी है, इसमें आपका ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बहुत सारे मानवाधिकार हैं, बहुत सारे, बहुत लंबी प्रक्रिया, मैंने बताया ना 80,000 पेजेस के ये कायदे कानून हैं, इनको मानना पड़ेगा, तब जाके आपको देखा जाएगा कि आप इस लायक हैं या नहीं हैं। यूरो को करेंसी स्वीकार करना होगा, इसके लिए तो तैयार हैं, लेकिन स्वीकार करने के लिए तो टर्की भी बैठा हुआ है 1987 से, आगे बताएंगे। इतना आसान नहीं है कि आप जो हैं यूरोपियन यूनियन में चले जाएं। यूरोपियन काउंसिल फिर दावों की परखेगी, कम से कम 30 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको परखा जाएगा। 80,000 पेजेस का हमने आपको बता दिया कि पूरे के पूरे वो नियम कायदे हैं। ईयू के सभी सदस्यों को, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि एक सदस्य ने बोल दिया, दो तिहाई सदस्य मान गए तो पहुंच गए, नहीं, एक एक 27 के 27 सदस्य जब तक नहीं बोलेंगे एक मत से कि हां यूक्रेन आप आइए, तब तक नहीं होगा। और ये बड़ा कठिन लगता है। अब फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है ये भी जान लीजिए, कितने पक्ष में है यूक्रेन के, कितने नहीं है, जरा ये भी देख लीजिए कौन कौन है यूक्रेन के पक्ष में और कौन कौन नहीं है, आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, फिलहाल सिर्फ 8 देश ही हैं जो यूक्रेन की तुरंत सदस्यता के पक्ष में हैं, तुरंत यानी कि बहुत शीघ्र। अब कौन कौन से वो देश हैं वो आपको बताते हैं कि इसके बाद प्रक्रिया क्यों ये जटिल कही जा रही है।
EU से यूक्रेन के लिए टोटली न्यू ट्रैक बनाने की डिमांड ये 8 सदस्य कर रहे हैं कि भैया तुरंत आपको अगर शामिल करना है तो 8 देश ये चाहते हैं कि एक नए ट्रैक पर काम किया जाए। कौन कौन है? बल्गारिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, लातविया। इसके साथ साथ बल्गारिया ये तो हमने आपको दिखाया है, इसके अलावा कुल मिला के इनको मिलाकर 8 ऐसे देश हैं जो ये चाहते हैं कि यूक्रेन को हम शॉर्टकट में ले आए। लेकिन शॉर्टकट में लाना इतना आसान है नहीं। क्यों नहीं आसान ये भी आपको बताते हैं। कितना वक्त लगता है? औसतन 5 साल का वक्त लगता है अगर आपको यूरोपियन यूनियन में जाना है। स्क्रूटनी बहुत लंबी है। अब ये भी बताते हैं आपको कि आज तक जो वक्त लगा है ऑन एन एवरेज उसमें सबसे ज्यादा और सबसे कम कब कब लगा, तो आपको दिखाते हैं कि किस किस तरह के देश यूरोपियन यूनियन में शामिल होने में कामयाब हो पाए। 2 साल का वक्त लगा था ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन को, और ये कहा जाता है कि अब तक का सबसे तेज वक्त रहा जब कोई यूरोपियन यूनियन में शामिल हो पाया। और सबसे ज्यादा लंबा वक्त जो लगा वो लेटेस्ट जो अभी शामिल हुआ है ना उनको लगा है, क्रोएशिया 2013 में। कितने साल का समय लगा? 10 साल का। ये क्रोएशिया को लगा। इसके साथ साथ एक और देश है पोलैंड। पोलैंड को भी मेरे ख्याल से 1994 में अप्लाई कर दिया था, 2004 में सदस्यता मिली, तो 10 साल पोलैंड को भी लगे थे। तो ये है वो जटिल प्रक्रियाएं जिसका पालन आपको करना ही पड़ता है अगर आपको यूरोपियन यूनियन में शामिल होना है तो। लेकिन क्या ये यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की प्रक्रिया इतनी सरल है? अच्छा, एक और चीज आपको बता दें कि एक और प्रक्रिया है वहां पर, बड़ी दिलचस्प है। आपको वहां पर पहले आधिकारिक उम्मीदवार बनना पड़ता है। ये नहीं कि आपने उम्मीदवारी की और आप उम्मीदवार बन गए। उम्मीदवार बनने के लिए भी एक प्रोसेस है। अभी मेरे ख्याल से 11 और 12 मार्च को एक बैठक है और उसमें यह तय किया जाएगा कि आधिकारिक उम्मीदवार हम यूक्रेन को माने या नहीं माने। यूक्रेन ने चिट्ठी जो लिखी है उसके मुताबिक अभी आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है। आधिकारिक उम्मीदवार कौन कौन है देखिए, कौन कौन अभी तक जिनको यूरोपियन यूनियन की सदस्यता नहीं मिल पाई है। टर्की जो हम कह रहे थे 1987 से लगा हुआ है कि आप हमें यूरोपियन यूनियन में ले लिए साहब, हम यूरो को भी मानने को तैयार हैं, लेकिन टर्की में जो अनस्टेबल गवर्नमेंट रहे हैं, गवर्नमेंट का जो रवैया रहा है, वहां पर फ्री इकोनॉमी की बात नहीं होती, इसलिए 1987 से उसका मामला पेंडिंग है, लेकिन आधिकारिक उम्मीदवार बनने में कामयाब रहे। उत्तर मैसिडोनिया भी है 2004 से, इसने भी एप्लीकेशन दिया हुआ है और ये भी कहते हैं कि हमको भी जोड़ दो, लेकिन अभी तक इनकी भी अटकी हुई है। मोंटेनेग्रो भी है 2008 से है और ये भी अभी तक सदस्य नहीं बन पाया है, लेकिन हाँ ये आधिकारिक उम्मीदवार जरूर हैं। तो ये है वो प्रक्रिया जो इतनी खतरनाक है कि यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। और यूक्रेन कह रहा है कि हमने आज दरख्वास्त लिखी और आप फास्ट ट्रैक तरीके से तुरंत हमें जोड़ दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि हम ठीक है, हमारी सहानुभूति, हम चाहते भी हैं यूक्रेन आ जाए, लेकिन प्रक्रिया बहुत लंबी है, इसका पालन तो करना ही होगा। हमने ऑन एन एवरेज करके बता दिया कि 5 साल, तो तुरंत यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन जाएगा यूक्रेन, ऐसा नहीं है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूक्रेन संकट का बाजार पर दबाव बरकरार है। बाजार में आज शुरुआत में कुछ तेजी देखने को मिली लेकिन शुरुआती तेजी टिकती नजर नहीं आई और अंत में बाजार लाल निशान में बंद हुआ। आज के कारोबार में ऑटो, बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में गिरावट देखने को मिली। मेटल, पावर, आईटी, तेल, गैस शेयरों में खरीदारी रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 366 अंक टूटकर 55,103 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 108 अंक टूटकर 16,498 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 428 अंक टूटकर 34,944 के स्तर पर बंद हुआ। और अब वक्त है इंडिया 360 की खास पेशकश, मामला क्या है। शेयर निवेशकों के लिए अब बड़े मौके हैं। आज से आप एनएसई आईएफएससी में यूएस स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी हां, सबसे पहले इसकी शुरुआत 8 शेयरों से की गई है और जल्द ही 50 शेयरों की ट्रेडिंग शुरू होगी। जानिए वो 8 यूएस स्टॉक्स कौन से हैं जिस पर आप ट्रेडिंग अब कर सकते हैं, साथ ही 50 वो कौन से शेयर हैं जिस पर ट्रेडिंग होगी। बता रहे हैं पूरा मामला आशीष चतुर्वेदी।
देखिए आज से आप जो है यूएस के स्टॉक्स खरीद और बेच पाएंगे। एनएससी का जो है आईएफएससीआई के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी में जो एक्सचेंज शुरू हो रहा है उसमें जो है आप यूएस के स्टॉक्स में जो है निवेश कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे। दरअसल अगर आप देखें तो सीधे तौर पर जो है आप स्टॉक्स खरीद नहीं रहे, ना कि जो यूएस के स्टॉक्स हैं वो भारत के एक्सचेंज पर लिस्ट हो रहे हैं, बल्कि आप उनके डेरिवेटिव जो रिसीट्स हैं इनमें आप ट्रेडिंग और निवेश कर पाएंगे। और अच्छी बात यह कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, ये मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले अगर आप देखें तो शुरुआत में 8 स्टॉक्स के विकल्प आपको मिल रहे हैं जहाँ पर ट्रेडिंग शुरू होगी। एक एक करके आपको नाम बताता हूँ। अमेजोन है, टेस्ला है, अल्फाबेट है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, नेटफ्लिक्स, एप्पल, वॉलमार्ट जैसे जो 8 दिग्गज। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये 8 स्टॉक जो है अमेरिकन मार्केट्स का आधे से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होल्ड करते हैं। इसके बाद देखें तो जो सूची है वो लंबी होती हुई नज़र आएगी। और अगले चरण में आप देखेंगे कि कुछ और स्टॉक जो है इस लिस्ट में शामिल होंगे। अडोब है, बर्कशायर हाथवे है, मास्टर कार्ड, वीज़ा, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन जो है इनमें भी ट्रेडिंग शुरू होगी। और जल्द जो है 50 स्टॉक्स के जो विकल्प हैं बड़ी लंबी लिस्ट आपके सामने हो जाएगी। लेकिन ढेर सारे सवाल हैं। सबसे पहले आपको बता दो तू कि ये जो स्टॉक्स लिस्ट होंगे वो डॉलर में होंगे, डॉलर डिनोमिनेटेड होंगे और इसका टिक साइज होगा 1 सेंट यानी 0.01 डॉलर होगा। आप देखिए फिलहाल जो है 36 ब्रोकर जो है एनएससी पर लिस्टेड हैं, इनके रजिस्टर्ड है जहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी इनके साथ अकाउंट है तो ठीक है, नहीं तो आप इन 36 में से किसी एक के साथ अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और फिर वहाँ से आप ट्रेडिंग और निवेश जो है शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसका मेन पर्पस ये है कि अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि फिलहाल अगर आप देखें तो यूएस के स्टॉक्स अगर आप रुपी में कन्वर्ट करके देखें तो काफ़ी महंगे साबित होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको टेस्ला खरीदना है जिसका भाव फिलहाल जो है $880 है, यानी अगर मैं रुपए को कन्वर्ट करूं तो केवल एक शेयर के लिए मुझे ₹66,000 जो है खर्च करने होंगे। लेकिन यही रिसीट्स का कमाल आता है क्योंकि फ्रैक्शन में डिवाइड होते हैं और सबका फ्रैक्शन जो है एक्सचेंज ने अलग अलग तौर पर जो है तय किया है। जैसे टेस्ला में अगर आप देखें तो 100 टाइम का जो है वो फ्रैक्शन है, यानी अगर आपको मान लीजिए $880 का जो है एक रिसीट आपको खरीदनी है जो स्टॉक की वैल्यू है, तो आपको केवल $8.8 यानी भारतीय रुपए के अनुसार अगर आप देखें तो केवल ₹660 में जो है आप इस रिसीट का एक फ्रैक्शन जो है खरीद सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट की बात की जाए तो करीब करीब जो है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत $2.5 लाख यानी भारतीय रुपए के अनुसार 1.9 करोड़ जो है मैक्सिमम निवेश आप इसमें कर सकते हैं। समय भी आपको बता देता हूं, अंत में जो यूएस मार्केट जिस प्रकार से खुलते हैं यानी भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से अगले दिन सुबह के 2:30 बजे तक जो है अमेरिकन मार्केट्स खुल सकते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको ट्रेडिंग के बढ़िया विकल्प मिलेंगे।